हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं डेली रूटीन दिखाऊंगी कि मैं अपने लालाओं को कैसे नहलाती हूँ, कैसे तैयार करती हूँ, कैसे पूजा करती हूँ। तो आप एंड तक बने रहिए। बड़े वाले हैं मेरे गोविंद, बीच वाले हैं मेरे कान्हा, और ये है मेरे छोटे से प्यारे से लड्डू। इसमें मैंने जल ले लिया है। ये इनका अलग से बर्तन में रखी रहती है, उसमें पानी और फूल और तुलसी दल और गंगा जल मैंने मिक्स कर लिया है। मैं सबसे पहले अपने छोटे वाले लाला को नहलाती हूँ, मेरे लड्डू को, क्योंकि ये घर में सबसे पहले आए हुए हैं। उसके बाद मैं इनको कॉटन के कपड़े से मैं इनको अच्छी तरह क्लीन करती हूँ। आप देख सकते हैं कितने क्यूट है मेरे छोटे वाले लड्डू। अब मैं अपने कान्हा को नहलाएंगी, और नहलाते समय आपको भजन करना चाहिए। आपको कोई संगीत इनको जो बहुत पसंद हो, प्रभु से रिलेटेड हो, भजन गाना चाहिए। यदि आपको भजन ना आता हो तो आप, ये है मेरे छोटे वाले कन्हैया जो कि खड़े हैं, ये मतलब खड़े वाले रूप में हैं। और ये है मेरे बड़े वाले गोविंद, अब मैं इनको नहलाऊंगी। यदि आपको भजन ना आता हो तो हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते करते आप इनको नहला सकते हैं, या फिर हरे कृष्ण महामंत्र भी आप जप कर सकते हैं। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप कभी भी ऑन कैमरा में यदि आप ब्लॉग बनाते हो अपने लालाओं का, तो कृपा करके प्लीज़ मेरी आप लोगों से विनती है कि नहलाते समय उनको पूरी तरह निर्वस्त्र ना करें, कम से कम अंडरवियर तो उनको पहनाएं, क्योंकि वो आपके घर के सदस्य हैं, आपके अपने हैं, और इनका सम्मान करना भी हमारे लिए वो अनिवार्य है। तो अब मैं इन तीनों को नहला चुकी हूँ, और अंडरवियर भी मैंने इनको चेंज कर दिया है। और ये है इनका न्यू ड्रेसेस जो कि मैंने लास्ट टाइम आपको मैंने दिखाया था ब्लॉग्स में, ऑनलाइन मैंने परचेज़ की हुई थी। अब मैं इनको इत्र का सेवा दे रही हूँ। जैसे कि हम नहाने के बाद हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, हम बॉडी लोशन लगाते हैं, तो हम जब प्रभु को नहलाते हैं तो हम इनको बॉडी लोशन तो लगा नहीं सकते, लेकिन इनको इत्र का सेवा देते हैं, इत्र से मालिश करते हैं, जो चंदन इत्र है, और ठंडा होता है, गर्मियों में चंदन इत्र ही लगाना चाहिए। कोशिश कीजिएगा चंदन इत्र, मोगरा और फुलवाड़ी का जो स्प्रे आता है, वो आप परफ्यूम के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बाद में भी दिखाऊंगी कि वो भी है मेरे पास। ये एक्रेलिक पेंट है। मैंने सोचा आज मैं न्यू ड्रेस पहना रही हूँ तो मेरे गोविंद के एक्चुअली साइड से थोड़ा थोड़ा, मतलब बालों में और आँखों के तरफ से थोड़ा कलर रिमूव हो गया था श्रृंगार, तो मैं इनको श्रृंगार दूँगी आज अच्छे से। और श्रृंगार करते समय हर एक चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए, काफ़ी केयरफुली श्रृंगार करना चाहिए। और मैं इनका आईब्रो मेकअप कर रही हूँ, आई मेकअप करूँगी और बालों में भी लगाऊँगी। और भाव रखना चाहिए अपने अंदर, करुणामय होना चाहिए। इस भाव से आप अपने प्रभु का श्रृंगार कीजिए कि प्रभु को बोलिए कि प्रभु, यदि आपके श्रृंगार करने में मुझसे यदि कुछ भूल हुई हो, मुझसे कुछ चूक हुई हो, तो मुझे क्षमा कीजिएगा प्रभु। यदि मैं कोई गलती कर रही हूँ तो मेरा मार्गदर्शक मेरा बनिए, आप बताइए प्रभु आपको कैसा श्रृंगार चाहिए। ऐसा भाव रख के अपने मन में आप प्रभु का श्रृंगार कीजिए, ठीक है। ये मैं बालों में श्रृंगार कर रही हूँ, इनका पेंट कर रही हूँ, बाल बना रही हूँ। थोड़ा सा रिमूव हो गया था नहलाते नहलाते। देखिए, मैंने ये पेंट लास्ट टाइम कब, साल भर हो गया होगा मेरा ये पेंट, नहीं साल भर नहीं, पाँच छः महीने हो गया होगा। तो ये रिमूव हो जाता है नहलाते नहलाते, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो थोड़ा पेंट कर लिया जाए। तो न्यू ड्रेस आज ये पहनेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं ये लोग भी, और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मेरे लाला न्यू ड्रेस पहनेंगे। वैसे तो बहुत सारे ड्रेसेस मैं भी अपने हाथों से बनाई हूँ, वो मैं आपको फिर कभी नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। अभी ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया हुआ है, ये बनी बनाई ड्रेसेस हैं। तो इनके कानों के पीछे से मैं कर रही हूँ, एक्चुअली कैमरा थोड़ा दूर है, मैं जूम करके दिखा नहीं पा रही हूँ, तो आप ऐसे ही देख लीजिएगा। थोड़ा समय लगता है देखिए पेंट करने में, और पेंट सूखने में भी बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो कृपा करके आप काफ़ी केयरफुली आप पेंट कीजिए, इनका श्रृंगार कीजिए, और मन में भाव रख के भावपूर्वक इनको हर एक चीज़
प्रदान कीजिए। आप देख सकते हैं मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा आराम आराम से मैं कर रही थी। एक्चुअली वीडियो ये थोड़ा सुपर फास्ट कर दिया है, क्योंकि वीडियो अगर मैं सुपर फास्ट नहीं करती तो आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे ये वीडियो देखते देखते, क्योंकि बहुत ज़्यादा घंटा लग गया था, 3 घंटा मान लीजिए। इनको ज़्यादा मैंने पूरी तरह पेंट नहीं किया है जैसे गले वाले में, क्योंकि मुझे इनको ड्रेस भी पहनाना है, तो ड्रेस अगर पहनाऊँगी तो पूरी तरह श्रृंगार करूँगी तो लग जाएगा इनको ना, ड्रेसेस में भी पेंट लग सकता है। तो मैंने सिर्फ थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ से निकल गया था वही पेंट किया। ब्रशेस को क्लीन करना ना भूलें, क्योंकि यदि ब्रश में पहला वाला रंग लगा रहेगा आप दूसरा वाला रंग करेंगे कोई और सा तो वो मिक्स मैच हो जाता है, फिर और ख़राब होने का डर रहता है, तो काफ़ी सावधानियाँ बरतनी पड़ती है। अब देखिए क्योंकि आई मेकअप कर रही हूँ, आँखें बहुत ज़्यादा सावधानी से आपको मेकअप करना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहूँ कि आँखों में ना कुछ मतलब आप ज़्यादा रगड़ो ही मत पानी से या हाथों से कुछ भी, कोई भी जैसे आप उनको नहलाने का कुछ भी आप यूज़ करते हो चंदन वगैरह, तो आप ज़्यादा रगड़ो ही मत, क्योंकि आंखें बहुत ज़्यादा आपको में मेहनत लगती है आंखें बनाने में और आसानी से नहीं बनता, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। मैं बार बार आपको इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं इनका श्रृंगार मैं खुद करती हूँ, उनके अनुसार इनके वस्त्र भी मैं खुद बनाती हूँ। देखिए जितने छोटे लाला होते हैं उतना ही इनका श्रृंगार करना बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, मेन इम्पॉर्टेंट जो उनकी आईज़ है बहुत ज़्यादा समय लगता है, एक एक आँखों में बहुत ज़्यादा समय लगता है। ब्रश वगैरह वगैरह के क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि अगर दूसरा पेंट अगर लग गया तो फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। और अब रेड कलर का मैं इनका लिपस्टिक मैं बनाऊंगी, इनके होठों के पास भी थोड़ा सा हट गया था। ये बड़ी खुशी से बड़े चाव से बड़े उत्साह से अपना श्रृंगार कराते हैं, इतने खुश होते हैं हमारे गोविंद कि पूछिए मत, मेरे पास शब्द नहीं है। ये अपना श्रृंगार बहुत सुंदर तरीके से करवाते हैं। अब मैं इनका लिप्स बना रही हूँ। हाँ जी, तो इनका लिप्स बनने में थोड़ा सा और समय बाकी है, सो फाइनली इनका लिप बन गया है। अब मैं सारी बॉटलें वगैरह खोल रही हूँ और मैं देखूँ पिंक कलर, हाँ पिंक कलर में मैं आपको दिखाऊंगी कि इनके हाथों के पास साइड साइड से एक्चुअली पेंट उठ गया था, तो पिंक कलर से मैं इनको पेंट कर रही हूँ इनके हैंड के पास, सोचा चलो हाथों के पास भी थोड़ा सा कर दो, थोड़ा अच्छा लगेगा, अच्छा दिखेगा। तो लेट्स सी करते हैं, फाइनली बस होने वाला है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा है, एक्चुअली मैंने इसको थोड़ा सा मतलब स्पीड बढ़ाया है, क्योंकि बहुत टाइम लग गया था ये वीडियो बनाने के लिए मुझे। अब बस पेंट फाइनली हो चुका है, डन। अब मैं सारे बॉक्सेस बंद कर देती हूँ वरना ये सूख जाएंगे। अब इनका थोड़ा आई के पास थोड़ी मतलब रह गई थी कमी, तो वो मैं ठीक कर रही थी। बस अभी थोड़ा सा और है। आंखें बनाने में थोड़ा समय और लगेगा, क्योंकि इनके साइड से ना थोड़ा पेंट थोड़ा लाइट दिख रहा था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा गाढ़ा कर दूँ, अच्छा लग रहा है थोड़ा। और यहाँ से फिनिशिंग, ये बड़े मज़े से अपने आप को तैयार करते हैं। ये देखिए कितना सुंदर, मेरे हाथों में पेंट भी लग गया है। कोई बात नहीं, ये तो रिमूव हो ही जाएगा, हैंड वॉश करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। ये मेरा चेंट काउंटर है, ये है इनका थोड़ा, एक टी शर्ट पजामा दिया था। और मैं मेरे पप्पो से पूछ रही हूँ तीनों से कि इनको क्या क्या पहनना है, कौन कौन सा ड्रेस पहनना है। मेरे लड्डू ने ये वाला ड्रेस निकलवाया मुझसे, कहा आज मैं यही पहनूँगा। और देखिए मेरे लड्डू पहन रहे हैं न्यू ड्रेस, हरी बोल। और पंखा चल रहा है ना, एक्चुअली सारे ड्रेसेस उड़ रहे हैं पन्नियाँ, तो मेरे बड़े लाला जब तक सूख रहे हैं मैं छोटे वाले को पहना रही हूँ। थोड़ा सा समय लगता है देखिए छोटे वाले लाला को पहनाने में परफेक्टली,
फाइनली पहन चुके न्यू ड्रेस और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये जब तक मेरी गोद में बैठ के ठीक से पहन ना लेना, इनको आराम नहीं होता, मतलब इनको खुशी नहीं होती, बस मेरे गोद में बैठ के ही ये लोग तैयार होंगे। अगर इस पर इस चौकी पे बिठा के अगर मैं पहनाऊँ ना कपड़े, तो ठीक से नहीं पहनते ये, तो बस कहते हैं कि बस मुझे अपने गोदी में ही बिठा कर आप लोग आप पहनाओ मुझे। ये पेंट में दिखा रही थी आपको, ये मेरे कान्हा के हैं। मेरे कान्हा कह रहे हैं मैं ये पहनूंगा। इन लोगों ने मतलब पहले से डिसाइड कर रखा है कि हाँ हम तीनों एक जैसा ही पहनेंगे, सेम सेम थोड़ा बहुत मिलता जुलता। तो मेरे कान्हा कभी कैप नहीं पहनते, इन ड्रेसेस के साथ कैप भी आया हुआ है, तो ये कैप बड़े खुशी से पहने के मैं आपको दिखाती हूँ। उनको रेडी करके मैं उनको गोद में बिठा करके आराम से रेडी कर रही हूँ। दिख नहीं रहा होगा, कैमरा थोड़ा दूर है, माफ़ कीजिएगा। हाँ जी, अब ये पहन चुके और ये इन्होंने इस ड्रेस के साथ ब्लू कलर का आया हुआ है कैप, ये इतने खुशी से वो कैप पहने। और इससे पहले मैंने उनको कितने बार कैप पहनाओ इनको या मुकुट पहनाओ, ये पहनते नहीं हैं, गिरा देते हैं बार बार, लेकिन ये कैप इन्होंने पहन ही लिया था फाइनली, इनको बहुत पसंद आया। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे कान। हरी बोल, ये प्योर कॉटन के हैं ड्रेस, जो कि इनको चुभेगा नहीं और गर्मी बहुत है, तो मैं इनको सोचा कि चलो कॉटन का ही ऑर्डर करते हैं कुछ ड्रेसेस। देखिए मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादातर अपने हाथों से बना के पहनाऊँ। मैंने काफ़ी सारे ड्रेसेस भी बनाए हैं और ज्वेलरी भी बनाई है इनके लिए, गले का हार और हाथों के कड़ा। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं कैप। अब मैं छोटे वाले का कैप ढूंढ रही हूँ, मिल गया। देखिए मेरे छोटे वाले लड्डू कैप पहनेंगे, पहन लिया इन्होंने। अब देखिए इनका कैप कितने सुंदर, कितने क्यूट लग रहे हैं, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। और ये बिना बुकरम के ड्रेसेस है, मैं आपको बता दूँ ये ड्रेस इतने सॉफ्ट हैं कि ये बहुत इनको आप इजीली आप पहना भी सकते हो, और मतलब इनको खुशी भी होगी, इनको चुभेगा भी नहीं और ना ही गर्मी लगेगी। और इन ड्रेसेस के साथ मैंने कूलर भी ऑर्डर किया हुआ था, आप साइड में देख सकते हैं, राइट एंड साइड पिंक कलर का कूलर है साइड में मैंने जो कि लगा रखा है। और कूलर भी बहुत अच्छा मिल गया मुझे, मतलब जिस शॉप से मैंने ये सारी चीज़ें परचेज़ की हैं उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप यदि अपने लालाओं के लिए ख़रीदना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो लिंक आप क्लिक कीजिए, आपको सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा, उसमें आ जाएंगी और आप अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर कर लीजिएगा। हरी बोल। और ये पिंक कलर का कूलर मुझे बहुत पसंद आया, इसकी कूलिंग पावर बहुत अच्छी है, इसमें आइस क्यूब वगैरह रखने के लिए और ठंडा पानी उसके अंदर डाल के अगर इसको कूल और करना हो हवा, तो और भी ज़्यादा कूल हो जाता है। और इसका एक चीज़ बहुत अच्छा है कि ये बैटरी वाला भी है और ये डाटा केबल के थ्रू भी चलता है, तो आपको जैसी आपको अच्छा लगे तो आप कीजिएगा। ये है कॉम्प्लीमेंट्री में, मेरे गोविंद भी अच्छे लग रहे हैं, इनको अभी ये वाला ड्रेस पहनना था, ये पहने हैं। और ये मैं उनको उनका माला आया हुआ था कॉम्प्लीमेंट्री में, लेकिन ये माला इनको आ नहीं रहा था, मैं कोशिश कर रही थी लेकिन आया नहीं। मैं सोच रही थी कि चलो दोबारा चलो फिर कभी पहनाऊँगी, क्योंकि इनका पेंट वगैरह रिमूव ना हो जाए अभी, क्योंकि अच्छी तरह सूखा नहीं था ना। तो मैं इनको बैजंती माला भी आया हुआ था, बैजंती माला भी वो मुझे कॉम्प्लीमेंट्री में मिला है, वो मैंने ऑर्डर नहीं किया था, उन्होंने अपनी तरफ से दिया है गिफ्ट। और मेरे पास एक बाथ टब भी आप देख रहे होंगे जहाँ पे घंटा रखा हुआ है, घंटी के पास वो बाथ टब भी वो मुझे कॉम्प्लीमेंट्री में आया है। और बैजंती माला एक मैं देख रही, इन दोनों में से किनको आए, दो बैजंती माला आया था कॉम्प्लीमेंट्री में, तो एक बैजंती माला मैंने गोविंद को पहनाए और एक मैं कन्हैया को पहना रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, मेरे गोविंद कितना प्यारा लग रहा है, इनको सजने का इतना शौक है मैं आपको क्या ही बताऊँ। दिन भर अगर आप इनको सजाते रहो ना तो बड़ी खुशी खुशी से सजेंगे, कोई दिक्कत नहीं इनको, बड़े आराम से सजेंगे कि हाँ मुझे और सजाओ और सजाओ। अगर इनकी बस की हो ना, ये बोलेंगे मुझे सारा कुछ पहनाओ, ये इनके श्रृंगार का सब कुछ मैं अलग अलग रखती हूँ, तुलसी माला कड़े ये मुकुट और कुछ जो नए नए इनके ज्वेलरी आए थे वो मैं
बाथ टब में रखी हुई थी। एक्चुअली बाथ टब थोड़ा सा छोटा पड़ गया है, मेरे छोटे दो लाला आ तो जाएंगे लेकिन बड़े वाले नहीं आएंगे, तो मैं सोच रही तीनों को चलो मैं एक ही चीज़ थोड़ा देने की कोशिश करती हूँ। ये माला है, ये मैंने अपने हाथों से बनाए हुए हैं कलरफुल माला। तो मोतियाँ मैंने बाहर से परचेज करी हुई थी और फिर घर में लग के फिर मैंने इनको पिरोए हैं अच्छे से। देखिए हमारे प्रभु भाव के भूखे हैं, आप अगर भाव से सिर्फ अपने मतलब थोड़ा कुछ भी आप देंगे ना तो वो बस ग्रहण कर लेते हैं। वो ये नहीं कहते कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए या मुझे ये ला दो वो ला दो, बिल्कुल नहीं कहते। आप अपने अनुसार सुविधा अनुसार आप उनको कुछ भी दे सकते हैं। बहुत अच्छे लग रहे थे मेरे तीनों लाला, भाव से और हृदय में करुणा में ही लेके यदि हमारे प्रभु को पूजेंगे, प्रभु का नाम लेंगे, प्रभु का महामंत्र नाम जप करेंगे और पूजा करेंगे, श्रृंगार करेंगे, आरती करेंगे, भोग लगाएंगे, तो हमारे प्रभु बहुत खुशी खुशी ग्रहण करते हैं। क्योंकि ये भाव भी तो हैं जो कि हम अपने प्रभु को प्रकट कर सकते हैं, बिना भाव के हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये है कि ऐसे से मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊँगी दूसरा बना के। ये है फुलवाड़ी स्प्रे जो कि मैंने पहले बताई थी, ये एक्चुअली मिक्स फूलों से बना हुआ है स्प्रे, बहुत अच्छी खुशबू है, सुगंधित है। अब मैं इनको बिठा दूँगी, चलिए मैंने बिठा दिया है, आप देख लीजिए कैमरा थोड़ा उल्टा हो गया, माफ़ कीजिएगा, वो चीज़ प्लीज़ ध्यान मत दीजिएगा। एक्चुअली कैमरा पकड़ने वाला कोई है नहीं, मैं बार बार यही कह रही थी। तो ये है तांबे की दो कटोरी जिसमें पानी और फूल वूल डाल के उनके साइड में मैं रख देती हूँ, उनको बोलती हूँ प्रभु यदि आप भाव से कि प्रभु यदि आपको मुख दर्शन करना हो, अपना चेहरा देखना हो तो आप इस जल में देख सकते हैं। मैंने एक मिट्टी का मिट्टी या सीमेंट जो भी आप बोल सकते हैं मार्बल का ब्लैक कलर का गिलास है जो कि मैं हमेशा रखती हूँ उनके पास तुलसी दल दे के। उसके बाद ऊपर संतोषी माता का मंदिर है और सरस्वती माता है, गणपति जी है छोटे से, उनको भी चढ़ाती हूँ माला फूल वूल। और नीचे भी मैं दे रही हूँ, हमारे श्रीला प्रभुपाद जी भी है जो कि मैं इस्कॉन टेम्पल से लाई थी, माफ़ कीजिएगा वो ब्लॉग मैं बना नहीं सकी, मुझे एक्चुअली अच्छी तरह ब्लॉग बनाना नहीं आता, बस मैं अपनी तरह से कोशिश करती हूँ, मैं अपने प्रभु से बोलती हूँ। ब्लॉग बनाने का मतलब ये नहीं अपने आप को दिखाना या ये सब दिखाना, ब्लॉग बनाने का मेरा बस यही अर्थ है कि बस प्रचार प्रभु के नाम का प्रचार प्रभु। कुछ कुछ लोगों को नहीं आता है काफ़ी सारी चीज़ें, तो मैं इसीलिए मैं ये ब्लॉग बनाई हूँ ताकि वो सीखें देखें। आप देखोगे सीखोगे मुख से उच्चारण करोगे। उसके बाद वो जो एक मैंने आपको पिंक कलर की फूल दिखाई थी वो फूल एक्चुअली गुलदस्ते वाली फूल है, वो फूलों के साथ ही आ गया था। ये लाइट एक्चुअली बंद हो गया है, मैं दोबारा लाइट ठीक कर रही हूँ। और ये है शीशा, मैं इनको शीशा से बोलूँगी दिखाऊँगी और बोलूँगी राधे 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 राधे, सबको दिखा दिया शीशा। श्रृंगार करने के बाद ही आप उनको शीशा दिखाना ना भूले। अब मैं दिया वगैरह जला देती हूँ और मैं भोग के लिए इनके ड्राई फ्रूट्स, दूध और मिश्री और बिस्किट, यही मैं सुबह सुबह इनको भोग लगाती हूँ। तो ये है बिस्किट, दूध लाने जा रही हूँ, दूध लेकर आ गई, दूध गर्म है एक्चुअली, दूध ठंडा करना पड़ेगा तो मैं दूध ठंडा कर रही हूँ, पंखा चल रहा है अभी, मैंने फ़ैन ऑफ नहीं किया तो दूध ठंडा हो गया है। फाइनली वो तैयार है इनका, और दूध में एक्चुअली थोड़ा मिश्री डाल के मैंने घोला था तो मिश्री रह गया था। ये है ड्राई फ्रूट्स, दूध और वो बिस्किट डाल दिया। अब मैं तुलसी दल डालूंगी हर एक भोग में। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रभु को यदि आप कुछ भी अर्पण कर रहे हो तो तुलसी दल के बिना ना अर्पण करें, वो फिर स्वीकार नहीं करते, बिना तुलसी दल के वो कुछ भी स्वीकार नहीं करते। आप तुलसी दल अवश्य दीजिए। तो अब मैं आचमन करूँगी, आचमन कर लिया है मैंने, अब मैंने आचमन कर लिया है और अब मैं दिया जलाऊंगी और धूप भी जलाऊंगी। तो मैं अभी दिया जलाने की तैयारी कर रही हूँ, ये बहुत सुगंधित धूप में लेकर आई थी, ये भी चंदन का ही है। एक मैं मंदिर के लिए जलाऊंगी और एक तुलसी जी के लिए जो कि हमारे तुलसी महारानी जी है। हरी बोल।
जय श्री कृष्णा। मेरे तीनों लाला बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब मैंने जला लिया है, अब मैं 7 बार श्री बिगड़े पे धूप दिखाऊंगी और उसके बाद मैं 4 बार चरण कमल में और 2 बार बक्षिस स्थल और 3 बार मुखमंडल में, उसके बाद श्री बिगड़े में 7 बार घुमा के दिया, उसके बाद मैं दिया रख दूंगी और जल शंख में थोड़ा सा गंगा जल लेके 3 बार सर पर और 7 बार पूरे विग्रह पर मैं 7 बार घुमाऊंगी। ये हम उनको परफ्यूम ऑफर करते हैं और हम रोज़ रोज़ उनको नए वस्त्र नहीं दे सकते, इसीलिए अर्पण नहीं कर सकते, इसीलिए हम 7 बार ये रुमाल भी गंगा जल से धो के थोड़ा सा टच करके उसके बाद 7 बार श्री विग्रह में घुमाते हैं। और ये है मोरपंख जो कि मैं हम इनको हवा देते हैं 7 बार, या फिर आप कितनी बार भी कर सकते हैं, इसमें अनलिमिटेड काउंटेड है। अब मैं शिव जी को भी जल चढ़ाऊंगी, जो हमारे महादेव हैं, हमारे महादेव भी हमारे प्रभु के बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े वैष्णव हैं। अब मैं इनसे प्रार्थना करूंगी और मैं इनको मंत्र जाप करूँगी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। उससे पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ, प्रणाम मंत्र बोलती हूँ, उसके बाद पंचतत्व मंत्र, उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र 3 बार बोलती हूँ। उसके बाद अब मैं शिला प्रभुपाद जी को प्रणाम कर रही हूँ, सभी भक्त सभी प्रभु सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर रही हूँ। मेरा पूजा हो गया है, अब मैं बाहर जाऊंगी ये धूप तुलसी महारानी जी के पास। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। हरे कृष्णा राधे राधे। ये है मेरे गोविंद, बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए मेरे लड्डू सामने, ये आगे हमारे गुरुदेव हैं। गुरुदेव जी के बिना हम भोग उनको निवेदन नहीं कर सकते।